नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का आज लोकसभा में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री आज शाम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित। तमिलनाडु में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का दल दो दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंचा। देश में अब तक 66,11,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.27% हुई। और भारत तथा अमरीका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र विकास तथा क्वाड सहयोग की समीक्षा की। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, दो गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का लोकसभा में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। कृषि कानूनों के मुद्दे और किसानों के आंदोलन को लेकर सप्ताह भर के व्यवधान के बाद कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर फिर चर्चा शुरू हुई। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कोविड-19 से कारगर ढंग से निपटने के लिए सही समय पर सही निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने कई फसलों और अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण तथा हमारा साझा भविष्य। इस सम्मेलन में गयाना के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद इरफान अली, पापुआ नई गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे, मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन प्रकाश जावड़ेकर भी भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें सतत विकास को लेकर 3 दिनों तक चर्चा होगी। इस सम्मेलन में कई देशों की सरकारें, बिजनेस लीडर्स, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, युवा और सामाजिक संगठन भाग ले रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस सम्मेलन के दौरान चर्चा किए जाने वाले प्रमुख विषयों में ऊर्जा एवं उद्योग परिवर्तन, अनुकूल तथा लचीलापन, प्राकृतिक आधारित समाधान, जलवायु वित्तीयन, अर्थव्यवस्था, स्वच्छ महासागर और वायु प्रदूषण शामिल है। भारत का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख भागीदार हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्यसभा ने महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित कर दिया है। विधेयक पर हुए मत विभाजन में पक्ष में 84 और विपक्ष में 44 वोट पड़े। इस विधेयक के तहत देश के प्रमुख बंदरगाहों के विनियमन, संचालन और नियोजन का प्रावधान है तथा इन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। ये विधेयक बंदरगाह न्यास अधिनियम 1963 का स्थान लेगा। इस विधेयक में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। ये बोर्ड मौजूदा बंदरगाह न्यासों का स्थान लेंगे। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता देगा और समुद्री क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ये बंदरगाहों के विश्व स्तरीय ढांचागत विकास में भी मदद करेगा और उनके संचालन में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोत आधारित विकास की परिकल्पना के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। विपक्ष की आकांक्षाओं को दूर करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि विधेयक में देश के बंदरगाहों के निजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक बंदरगाहों को निजी बंदरगाहों के मुकाबले अधिक सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
जहाजरानी मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार देश में बंदरगाहों के निजीकरण की कभी अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में पिछले 6 वर्ष में वृद्धि हुई है। श्री मांडविया ने बताया कि देश में प्रमुख बंदरगाहों ने पिछली सरकार के दौरान हुए मुनाफे से दोगुना मुनाफा दर्ज किया है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन के लिए आत्मनिर्भर योजना के तहत 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश में 40 करोड़ असंगठित श्रमिक और 10 करोड़ संगठित श्रमिक हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान असंगठित क्षेत्रों से संबद्ध 1 करोड़ श्रमिक अपने राज्यों में चले गए, जबकि उनमें से कई वापस लौट आए हैं। देश के अंदर दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्यों में आने का काम करीब 1 करोड़ मजदूरों ने किया है, पर इसमें अधिकांश अब वापस भी लौट गए। आजादी के बाद से लेकर हम तक हम केवल ऑर्गेनाइज लेबर थी, जिनकी संख्या 10 करोड़ के आसपास थी, और असंगठित मजदूर जिनकी संख्या 40 करोड़ के आसपास है। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने इसको कैसे पॉजिटिवनेस में बदलने का काम किया है कि इन 40 करोड़ की भी हम चिंता कर रहे हैं, इनको कैसे हम पॉजिटिव दिशा में ले जाने का काम करें, सही अवसर मिले कि इनको एक स्थायी नौकरी मिल सके। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि विमानों का 80% से अधिक परिचालन विमान कंपनियों के फैसले पर निर्भर करता है। श्री पुरी ने सदन को बताया कि इस संबंध में कोई भी फैसला कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। Our effort is always to open up a little ahead of the actual and potential traffic. Our decision to raise it beyond 80% will depend on the behavior of the virus and our sense of comfort that air travel has all the SOPs and the commercial decisions will have to be taken because this is a deregulated sector by the air carriers. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर 60 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां बाड़ नहीं लगाई जा सकती है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में नदियों के होने से ऐसा संभव नहीं है। बांग्लादेश बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 2216 है। जो बाढ़ से कवर की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 1638 है, लगभग 76% है। शेष जो बचा है 578 किलोमीटर, इसमें 10 किलोमीटर कार्य प्रगति पे है। 319 किलोमीटर का बाढ़ लगाना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वह नदियों का क्षेत्र है और कुछ दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वहां हम बाढ़ नहीं लगा सकते। फिर भी व्यापक संयुक्त सीमा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इसमें रेडार है, सेंसेटिव कैमरे हैं और कई प्रकार की व्यवस्था लाकर हम वहां सीमा की सुरक्षा भी करते हैं, घुसपैठियों को रोकते हैं। श्री नित्यानंद राय ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के 33 प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार के पास लंबित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस सही ढंग से काम नहीं कर रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष 2021-22 के बजट पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम चर्चा करेंगे बजट में रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों पर। केंद्रीय बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। रेलवे के लिए सकल बजटीय आवंटन 37,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है, जो वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान के तुलना में 53% अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि माल ढुलाई के प्रति समर्पित पश्चिमी गलियारा और पूर्वी गलियारा जून 2022 से शुरू होने की संभावना है। Indian Railways have prepared a National Rail Plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030. Bringing down the logistic cost for an industry is at the core of a strategy to enable Make in India. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022. Detailed project reports will be undertaken in the first phase. वित्त मंत्री ने ये घोषणा भी की कि दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉडगेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेलवे की वार्षिक योजना 2021-22 में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचागत विकास, टर्मिनल सुविधाओं के विकास, ट्रेनों की गति में वृद्धि, यात्रियों की सुविधा में सुधार और पुलों संबंधी सुरक्षा कार्यों सहित विभिन्न गतिविधियों पर जोर दिया गया है।
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए इस बजट में अब तक का सर्वाधिक 12,985 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 72% अधिक है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के साथ साथ पर्यटकों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से बजट में यात्री ट्रेनों के लिए सुंदर डिजाइन वाले विस्ताडोम LHV कोच देने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रणाली मानवीय भूल से होने वाली रेल दुर्घटनाओं की आशंका को कम करती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने वित्त वर्ष 2021 की सकल घरेलू उत्पाद GDP की संशोधित वृद्धि दर 0 से नीचे 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इससे पहले बैंक ने वृद्धि दर 0 से नीचे 7.4% रहने की संभावना व्यक्त की थी। SBI ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ सौम्य कांति घोष की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के लिए GDP की वृद्धि दर 0.3% रहने का अनुमान है। चौथी तिमाही में भी वृद्धि दर सकारात्मक 2.5% रह सकती है। SBI का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% रह सकती है। बैंक ने आगाह किया है कि ये सभी अनुमान इस बात पर निर्भर करेंगे कि कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी न हो। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का 9.5% राजकोषीय घाटे का अनुमान वास्तविकता से कुछ अधिक है। SBI पहले ही कह चुका है कि बैलेंस शीट दायित्वों को हटाकर केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा GDP के 8.7% रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में अधिकतर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिलकर एक ही चरण में चुनाव कराए जाने का आग्रह किया है। बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत में प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के मतदान के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग का एक दल 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंचा। इस दल में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र, राजीव कुमार और महासचिव उमेश सिन्हा शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने संवाददाताओं से कहा कि वे स्थिति की समीक्षा करने के बाद कल संवाददाता सम्मेलन करेंगे। देश में अब तक 66,11,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,52,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 13,000 से अधिक और लोगों के स्वस्थ होने के बाद कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.27% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि 1,05,00,000 से भी अधिक कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,41,511 रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11,067 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1,08,00,000 से अधिक हो गई है। इस दौरान 94 लोगों की मौत के साथ ही देश में इस संक्रमण से 1,55,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 7,36,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक देशभर में 20,33,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। बिहार में अब तक 4,14,796 लोगों ने कोविड के टीके लगवा लिए हैं। टीकाकरण के बाद किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव की कोई सूचना नहीं है। इस बीच राज्य में अब तक 2,59,174 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.13% हो गई है। राज्य में अभी केवल 754 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कल कोविड के 167 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 256,178 हो गई है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को 219 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं, जबकि 2 रोगियों की मृत्यु हुई है। कोविड से कुल मृत्यु की संख्या 3,825 है। वहीं कोविड पॉजिटिविटी दर 1.0 है। प्रदेश में कल 52 में से 14 जिलों में कोई नया संक्रमण का मामला दर्ज नहीं किया गया है। भोपाल में अब सक्रिय मामलों की संख्या 632 जबकि इंदौर में 301 है। इस बीच राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं का टीकाकरण सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में कहीं से भी टीके लगाने के बाद नकारात्मक सूचना नहीं है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तराखंड में सुरंग में फंसे 25 से 30 लोगों को निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान में बाधा आ रही है, क्योंकि सुरंग के अंदर कीचड़ जमा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रात भर मशीनों से कीचड़ निकालने का काम किया गया। मशीनों की मदद से सुरंग से मलबा निकालने का काम पूरी रात जारी रहा। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरे बलों की संयुक्त टीमें आज सुबह सुरंग में दाखिल हुईं, लेकिन 120 मीटर के बाद आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। सुरंग के अंदर से अभी भी भारी मात्रा में पानी और मलबा बाहर आ रहा है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि राहत और बचाव दल को सुरंग के रास्ते में भारी पत्थर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बचाव के काम में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है। अभी तक कुल 32 शव मिले हैं, जिसमें से 8 की पहचान की गई है और 24 की पहचान होनी अभी बाकी है। बचाव दल को उत्तराखंड पुलिस के 2 जवानों के भी शव मिले हैं। अशोक कुमार ने कहा कि प्रशासन अभी भी लापता और मृत लोगों की सही संख्या बता पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा 192 से 204 के बीच हो सकता है। देहरादून में राघवेश पांडे के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए सुशील चंद्र तिवारी, श्रीनगर, गढ़वाल। उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 मंत्रियों का एक दल वहां भेजा है। इस दल ने कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों के शव मलबे से निकाले गए हैं और अन्य की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस आपदा में उत्तर प्रदेश के 60 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 13 को बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा में लापता हुए उत्तर प्रदेश के लोगों की जानकारी के लिए हरिद्वार में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जम्मू क्षेत्र में 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 1 अप्रैल से आयोजित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षा 3 अप्रैल से 24 अप्रैल जबकि 12वीं की परीक्षा 1 अप्रैल से 29 अप्रैल तक होगी। ये परीक्षाएं कोविड 19 के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर आयोजित की जाएंगी। इस बीच श्रीनगर जिले के स्कूल 20 फरवरी से खोले जाएंगे, कक्षाएं 1 मार्च से होंगी। उत्तर प्रदेश में करीब 10 माह के लंबे अंतराल के बाद 6 से 8 तक की कक्षाएं आज से फिर शुरू हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने सभी स्कूलों के प्रशासन से कोविड संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कक्षाओं में छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था सुरक्षित दूरी को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। स्कूलों में समय समय पर सैनिटाइजेशन का कार्य भी करना होगा। फिलहाल एक दिन में केवल 50% विद्यार्थियों को ही आने की अनुमति होगी। विद्यालयों में प्रातःकालीन प्रार्थना सभाएं और खेलकूद जैसी सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। मिड डे मील के दौरान भी एहतियात बरतना जरूरी होगा। स्कूलों के लिए अनिवार्य है कि वे अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की लिखित सहमति लें। विद्यार्थियों के लिए स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा और उनके पास घर से ऑनलाइन कक्षाएं करने का विकल्प होगा। वहीं प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल आगामी 1 मार्च से खुलेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए राष्ट्रीय राजधानी में गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कार्यक्रम के अनुसार 18 फरवरी से फॉर्म मिलने शुरू होंगे। फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 मार्च है। सभी स्कूल 20 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर चयनित बच्चों की पहली सूची अपलोड करेंगे। दूसरी सूची 25 मार्च को और आवश्यकता अनुसार तीसरी सूची 27 मार्च को जारी की जाएगी। 31 मार्च तक दाखिला प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।
हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 20 अप्रैल से आयोजित करेगा। सरकारी प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये परीक्षाएं 31 मई को समाप्त होंगी और परीक्षा परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम को 30% तक कम किया गया है और वार्षिक परीक्षा में 50% बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रायोगिक परीक्षाएं लिखित परीक्षाओं से पहले ली जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का आज लोकसभा में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री आज शाम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित। तमिलनाडु में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का दल 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंचा। देश में अब तक 66,11,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.27% हुई और भारत तथा अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र विकास तथा क्वाड सहयोग की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल टेलीफोन पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थितियों और क्वाड सहयोग की समीक्षा की। क्वाड समूह में 4 देश शामिल हैं, भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। श्री जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि म्यांमार की स्थिति पर भी चर्चा की गई। इस बातचीत से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई थी। टेलीफोन पर हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और प्राथमिकताओं पर चर्चा की थी। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई कल संसद की ऊपरी सदन सीनेट में औपचारिक रूप से शुरू हुई। सीनेट में महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर हुए मतदान में पक्ष में 56 जबकि विपक्ष में 44 वोट पड़े। सदन ने डोनाल्ड ट्रंप के अधिवक्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ट्रंप पर सीनेट में महाभियोग की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। पिछले महीने प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की कार्रवाई में कहा गया है कि श्री ट्रंप ने चुनाव धोखाधड़ी के झूठे आरोप लगाए हैं और 6 जनवरी को अपने समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल में दंगे को प्रोत्साहित किया। महाभियोग चलाने की कार्रवाई के लिए सदन ने मतदान किया। अब सीनेट में सुनवाई चल रही है। कांग्रेस का ऊपरी सदन ये तय करेगा कि आरोप के तहत श्री ट्रंप को दोषी ठहराया जाए या उन्हें बरी किया जाए। श्री ट्रंप के वकीलों का तर्क है कि वे अब राष्ट्रपति नहीं हैं, इसलिए सीनेट में इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। जबकि डेमोक्रेट का कहना है कि श्री ट्रंप के कार्यालय छोड़ने से पहले ही उन्होंने ऐसी कार्रवाई की थी। चूंकि अमेरिका में संवैधानिक रूप से इन परिस्थितियों में कार्रवाई की चर्चा सीमित है, इसलिए ये कानूनी बहस का विषय बन गया है। डेमोक्रेट ट्रंप को फिर से सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित करने की उम्मीद कर रहे हैं। श्री ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा है। अमेरिका में महाभियोग का ये 4था और किसी पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग का पहला मामला है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। म्यांमार में आंग सान सूची के सैन्य तख्तापलट को लेकर चल रहे व्यापक विरोध के बीच कल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस कारण से 4 लोग घायल हो गए। देश के एक सरकारी टेलीविजन चैनल ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के सुरक्षा बलों को शांति से विरोध कर प्रदर्शन करने वाले लोगों के अधिकारों का सम्मान करने को कहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से 40 सरपंचों का एक दल 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए आज राजस्थान के दौरे पर जा रहा है। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि जम्मू कश्मीर के सरपंचों का ये दूसरा दल है जो 14 फरवरी तक वहां रहेगा। ये दल वहां की कार्यप्रणाली का अध्ययन करेगा और राज्य में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करेगा। इस दौरान सरपंचों को ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वरोजगार, बजट की तैयारी, मनरेगा के तहत GDDP और SDG के साथ श्रम बजट का एकीकरण और पंचायत विकास योजनाओं का एकीकरण सहित विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा।
सरकार ने खरीफ के चालू मौसम में 620 लाख टन से अधिक धान की खरीद की है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार खरीद में 17.60% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इस अवधि में लगभग 527 लाख टन धान की खरीद हुई थी। अकेले पंजाब से 202 लाख टन से अधिक धान की खरीद हुई, जो कुल खरीद का 32.71% है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अभी तक खरीदे गए धान के लिए दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,17,000 करोड़ रूपये से अधिक है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में 2025 से पहले 50% कमी लाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से हर संभव प्रयास करने की अपील की है। वे कल अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन की भारतीय शाखा की ओर से भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौतियां और कार्य योजना की तैयारी विषय पर आयोजित वेबिनार श्रृंखला के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। देश में दुर्घटनाओं की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत अमेरिका और चीन से भी आगे है और दुनिया में इसका पहला स्थान है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा की स्थिति में सुधार और राज्यों को इस सिलसिले में प्रोत्साहन देने के लिए 14,000 करोड़ रूपये की लागत से एक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में 8 बार के विजेता और मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच ने आज दूसरे दौर के मैच में फ्रांसिस टियोफो को 6-3, 6-7, 7-6, 6-3 से हरा दिया। एक दूसरे मैच में यूएस ओपन चैंपियन डोमिनिक थियम ने डोमिनिक कोफर को 6-4, 6-0, 6-2 से हराया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू और श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे रहा, जबकि ये 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे रहा और अधिकतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से आसमान साफ रहेगा। तापमान 6 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पंडित भीमसेन जोशी की भावपूर्ण ख्याल गायकी, भजन और अभंगों ने से श्रोता सम्मोहित हो जाते थे। आइए सुनते हैं उनकी रचना। जो भजे हरि को जरा सोई परम भज पावला, सोई परम भज पावला। जो भजे हरि को अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का आज लोकसभा में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री आज शाम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित। तमिलनाडु में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का दल 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंचा।
देश में अब तक 66,11,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.27% हुई। और भारत तथा अमरीका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र विकास तथा क्वाड सहयोग की समीक्षा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।